प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का सेट सी। सेट ए और सेट बी का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में लिंक दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहां पे हम डायरेक्टली डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। साथ में इसकी फुल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करनी है। इसे लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक दिया गया है, इसको पूरा आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 से दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कवर कर लिया है, तो ये पूरा आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां आपको पूरा डिस्कस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां आपको पूरा लिख लेना है। हाउस तक पूरा क्वेश्चन नंबर 7वां हो चुका है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 9वां, तो दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, तो ये पूरा आपको लिख लेना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां, 11वां और 12वां। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 कवर कर लिए गए हैं। अब इसके बाद ग्रामर पूर्सर आपका स्टार्ट होता है, तो 17वें क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा दिया गया है, तो ये भी आपको पूरा लिख लेना है। इसके आगे नेक्स्ट आपकी नोट्स मेकिंग इन समरी क्वेश्चन नंबर 13 में दी गई थी, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे नोट्स दिए गए हैं। 2.2 पॉइंट तक हमने नोट्स कवर कर लिए हैं। अब देख सकते हैं 4.2 पॉइंट तक नोट्स कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया था, तो इसमें समरी लिखनी थी, तो आप देख सकते हैं पूरी समरी दी गई है। इसी के नीचे आपको टाइटल भी प्रोवाइड किया गया है, तो टाइटल भी आपको लिख लेना है। नेक्स्ट है आपके एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन आपको लिखनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आधी एप्लीकेशन में दिखा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद आगे आपको येलो से पूरा यहाँ तक पूरा लिख देना है, तो ये पूरी एप्लीकेशन आपकी क्लियर हो गई है। चलिए आप देखते हैं आगे। नेक्स्ट था आपका नोटिस लिखना था, तो आप देख सकते हैं नोटिस का बी तक हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब बी के आगे से हम देखते हैं, तो बी के आगे से पूरा नोटिस हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, तो पूरा नोटिस आपको लिख लेना है। ये जो क्वेश्चन रह गए थे वो भी क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करा दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको ये पूरे लिख लेने हैं। इसके अलावा 11, 12 भी दिया गया है, तो ये पूरा आपको लिख लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया था इंपोर्टेंट एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर, तो आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है, तो ये पूरा आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19वें का ए नंबर आंसर सही होगा, 20वें का आपका बी नंबर, 21वें का बी नंबर और 22वें का आप देख सकते हैं आंसर दिया हुआ है ए नंबर। इसी के बाद 27वें क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, तो ये पूरा आपको 27वें क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट आपका 28वां क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका भी आंसर आपको पूरा लिख लेना है। नेक्स्ट आपका है 29वां क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं 29वें का आंसर भी प्रोवाइड करा दिया गया है, तो ये भी आपको पूरा लिख लेना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका 30वां दिया गया है, तो ये भी आपको दिख रहा होगा, ये पूरा आपको लिख लेना है। तो सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब चलिए देखते हैं इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। आपको सर्च ऑप्शन में जाना है और टेलीग्राम सर्च कर लेना है, लोड कर लेना है, फिर इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे ऊपर सर्च ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है और स्टडी नोट्स पीजे, ये दिख रहा होगा आपको स्टडी नोट्स पीजे, इसको आपको सर्च करना है। इसको जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको ऊपर दिख जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं 2600 से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इसको ज्वाइन करने के बाद संपूर्ण पीडीएफ आपको इसी में मिल जाए।